दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, मामा जी निकलते हैं गाड़ी से और फिर ये अपना शेरवानी ठीक करते हुए। अब देखिए जो मामू जी के हेल्पर हैं वो आ गए हैं और उन्होंने पूरा संभाल लिया कि सब कैसे ठीक करना है। मैं टोपी ठीक करने की कोशिश करता हूँ पर सही नहीं होता है तो दूसरा कोई सही कर देता है। कान में कुछ बोलते हुए यहाँ पे कुछ कानाफूसी चल रही है दोस्तों। और फिर अब बारी आती है, जैसे मामा जी को बोला जा रहा था घोड़ा पे जाने के लिए पर मामा जी घोड़े पे नहीं गए तो इनके लिए हम लोग ने रथ किया है। और ये देखिए इस पे चढ़ने के लिए कुछ स्टेयर वगैरह है नहीं, अब डायरेक्ट यहाँ पे पैर रखेंगे, डायरेक्ट पैर रख के चढ़ना पड़ेगा यहाँ से, एक नंबर। तो यहाँ पे हेल्प मदद करते हुए मददगार। और दोस्तों ये रथ भी साफ भी नहीं किया था उन लोगों ने दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं कम से कम कहीं आप आए हैं तो साफ सफाई करके लाना चाहिए। बट ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चढ़ गया भाई, दोनों जन बैठ के मस्त लग रहे हैं। और अब हमारा काम भी थोड़ा बैठा दिए तो हो गया, अब हम भी चलेंगे डांस करने फिर से माहौल बनाने। अब ये तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी जो पूजा हो रही है उसको बोलते हैं द्वार पूजा। जैसे ही आप बारात लेके पहले वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे जो उनके घर के सामने द्वार बोलते हैं उस द्वार पे पूजा होती है उसको द्वार पूजा बोलते हैं, वही अभी यहां पे प्रोसीजर चल रहा है। तो अभी इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा और ये पूजा जब हो जाएगी तब हम लोग नाश्ता पानी करेंगे और फिर इसके बाद अभी समझो देखिए डांस करके मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, वैसे पसीना पसीना हो गया बट फिर भी मैं इतना टायर्ड नहीं हुआ था, अच्छा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पे हो गए, नाश्ता पानी हो गया है और हम लोग जयमाल के लिए रेडी होंगे।
और मामू स्माइल करते हुए। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पे जयमाल सिस्टम है। देखिए उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रोग्राम रखा गया था, जैसे कि अच्छी चीज़ आज के लोगों में, आज के टाइम पे लोग पता नहीं क्या क्या रखते हैं ये वो, बट ये जो सिस्टम यहाँ पे रखा गया था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भगवान का डांस वगैरह था तो वो बहुत ही अच्छा लगा हमको। और मैं तो चाहूँगा कि और भी लोग ऐसी चीज़ें करें, ना कि वो जो डांस वगैरह होता है लड़के लोग आके करते हैं, वो नहीं चाहिए। उसमें उल्टा है, आपको पता ही है झगड़ा लड़ाई होते हैं और पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो अभी जयमाल सिस्टम शुरू हो गया है, अब सब लोग आशीर्वाद ले दे रहे हैं। वो क्या था, जरा एक मिनट दिखाओ तो क्या था। अरे अरे हाथ ही पकड़ के बोल रहा हूँ, ऐसा करा दिन ना, क्या दिक्कत है, सिंपल सा एकदम है, और इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है कर लो यार फटाक से, टाइम लेट हो रहा है। एक ही से एक कुछ कर ये भैया। अरे यार भाई देखो यहाँ, देखो दोनों स्माइल स्माइल स्माइल। इधर देखो इधर। देखिए हमारे मामा जी को अपनी शादी में ही सो रहे हैं भाई साहब, बताइए क्या करें अब ऐसे लोग। देखो दो तीन लोग गवाह भी हैं यहाँ, सही बात है कि नहीं, सही है। इतने चैन से आप सोने कहाँ मिलेगा। जाने दो यार। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शादी स्टार्ट हो गई मेन जो है, तो ये मामा का आरती वगैरह उतारते हुए जो उनके रिलेटिव है वो, और फिर यहाँ से शुरू होता है पूरे रात। दोस्तों ये शादी चलने वाला है, पंडित जी एकदम फॉर्म में है और मंत्र वंतर पढ़ के फटाफट कोशिश कर रहे हैं हो जाए। बट जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की जो शादियां होती है उसमें पूरी रात शादी होती रहती है, मतलब पूरे रात वहां पे कुछ ना कुछ होते रहता है। और फिर ये देखिए हमारी मामी जी आ गई हैं, अब उनका भी होगा चालू कार्यक्रम। तो ये देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे जो है शादी आगे बढ़ रही है और वो टाइम नज़दीक आ रहा है जब ये शादी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अभी भी और बहुत सारे रीति रिवाज जो बोलते हैं वो है। तो अभी जैसे आपको बता दूँ ये टाइम हो रहा होगा सुबह के 5 बज रहा होगा या 4, 4:30 बज रहा होगा। तो फिर अभी देखिए सब फॉर्म में चल रहा है, अभी सब आशीर्वाद दे रहे हैं मामू जी को और अभी फेरे होने वाले हैं। तो जैसे आपको बता दूं दोस्तों ये करना ज़रूरी है, और मैंने अब देखिए फेरे भी हो चुके हैं और सुबह भी हो चुकी है दोस्तों। तो अभी लास्ट स्टेज जो है एकदम आखिरी बोलते हैं जिसको, वो चल रहा है। अभी मामा जी जाएंगे घर में और वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम रहता है वो भी करेंगे। वैसे बाहर के लोगों को अलाउड नहीं, मतलब जो लड़कों की तरफ से आते हैं उनको अलाउड नहीं रहता, बट दोस्तों मैं भी कैमरामैन बन के अंदर घुस गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3-3, 4-4 कैमरामैन है, इतने लोग घुस गए कि अंदर घर में जगह ही नहीं दोस्तों। तो यही सब चलते रहता है। तो दोस्तों फाइनली शादी हो चुकी है कंप्लीट और हम लोग अभी गाड़ी में बैठ गए निकलने के लिए घर पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब याद से करना दोस्तों। और बाकी दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग इतना ही की है क्योंकि मेरे में मेमोरी नहीं बचा हुआ था कैमरे के अंदर, इसलिए इतने रिकॉर्डिंग हुआ दोस्तों। ए भाई साइड दे तू यार, क्या कर रहा है, साइड दे दी, साइड दे दी, चलो साइड दे दी। तो याद से वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।